हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वन मोर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने 1 GB रैम वाले पीसी और लैपटॉप में फ्री फायर कैसे खेल सकते हो। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, 1 GB रैम है और ग्राफिक्स कार्ड नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि आपके पास 512 MB रैम वाला पीसी है उसमें भी आप खेल पाओगे फ्री फायर, वो भी एकदम हाई सेटिंग्स पे अल्ट्रा HD में 60 FPS एकदम स्मूथ गेम चलेगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। सो गाइज, मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड समझ के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, वरना अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपका गेम बिल्कुल भी चलेगा नहीं। और यहाँ पे आपको मैं की मैपिंग भी बताने वाला हूँ, क्योंकि इस ट्रिक में जो की मैपिंग है वही सबसे मेन प्रॉब्लम है। अगर वो आप नहीं कर पाते हो तो आपका गेम तो चल तो जाएगा पर आप जिनको खेल नहीं पाओगे। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो और चैनल बनाए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ फ्यूचर में देखने के लिए। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्रोम यूज़ नहीं करना है क्योंकि इस ट्रिक में आपको क्रोम प्रॉब्लम्स देता है। आप क्रोम के अलावा कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, मोज़िला, फायरफॉक्स, एक्सप्लोरर, कोई भी। यहाँ पे मैं ओपेरा मिनी यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ब्लूस्टैक्स। ब्लूस्टैक्स की ऑफिशियल साइट पाएंगे तो आपको यहाँ पे प्ले एंड क्लाउड एंड डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने डाउनलोड नहीं करना है, इससे आपका एमुलेटर डाउनलोड हो जाएगा। आप प्ले ऑन क्लाउड पे आना है। सो गाइस, आपको इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा, सिंपली आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आपको फ्री फायर देखने नहीं मिलेगा क्योंकि फ्री फायर अभी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, हर वीक एक न्यू गेम ऐड होता है। सो हम यहाँ पे अपनी ट्रिक अप्लाई करके फ्री फायर खेलने वाले हैं, तो सिंपली आपने यहाँ पे पॉप स्लॉट्स करके एक गेम दिखेगा उस पर क्लिक करना है एंड प्ले ऑन क्लाउड पे कर देना है। अब यहाँ पे कुछ एड्स वगैरह आएंगे तो सब कुछ स्किप करके मैं आपको आता हूँ। सो एक बार एडवर्ड स्किप हो जाए तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा, तो आपने सिंपली यहाँ पे नीचे आना है एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे डबल क्लिक करना है और ये आपका डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन कर देगा। तो सिंपली आपने यहाँ पे सर्च करना है प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप जब फर्स्ट टाइम प्ले स्टोर ओपन करोगे तो आपको भी साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपने जीमेल आईडी से साइन इन कर लेना है। मैं साइन इन करके मिलता हूँ। सो गाइज, मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है और अपना प्ले स्टोर ओपन हो चुका है, तो आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है फ्री फायर और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आ गया है, आपको ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको गेम को इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल हो जाए उसके बाद अपन मिलते हैं। सो गाइज, अपना फ्री फायर इंस्टॉल हो चुका है। अब फ्री फायर इंस्टॉल करने के बाद आपको एक और ऐप इंस्टॉल करना है, उस ऐप का नाम है ऑक्टोपस, क्योंकि उसके थ्रू हम की मैपिंग करेंगे, तो इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सो गाइज, आपका एक बार ऑक्टोपस भी इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपने एक ऐप इंस्टॉल करना है, उसका नाम है बटन नेविगेशन, और ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ जो सेकंड नंबर पे, इसे इंस्टॉल करना है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इससे होगा क्या कि आपके यहाँ पे तीन नीचे के बटन आ जाएंगे जो नेविगेशन बटन होते हैं, जिसकी वजह से आप उसे यूज़ कर सकते हो बैक करने के लिए और वगैरह के लिए, जैसे अपने फ़ोन में होता है। सो गाइज, सारे ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली ऑक्टोपस वाला ऐप वापस से ओपन करना है, क्योंकि यहाँ से हम गेम चालू करेंगे या अपनी की मैपिंग करेंगे। सो इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वेट करना। तो गाइज, अपना ऐप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आपका माई गेम्स में फ्री फायर ऑलरेडी ऐड होगा तो डबल टैप करना है और ये स्किप करना है, फिर यहाँ पे भी स्किप करना है और आपका गेम ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ अलग तरह के की मैपिंग दिख रही होगी, तो ये गेम पैड का यानी अपने कंट्रोलर्स जो आते हैं उनका है, तो आपने सबसे पहले साइन इन वगैरह कर लेना है और अपडेट वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ जो ऊपर ये ऑप्शन दिख रहा है इसे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको गेम पैड का एक आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कीबोर्ड, ओके, एंड देन बस इसे कर देना है और सेव कर देना है बस। उसके बाद हम साइन इन करके गेम खेल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना गेम ओपन हो चुका है गाइस, तो सिंपली अपन सेटिंग्स में आएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप हाई सेटिंग्स पे बड़े आराम से खेल सकते हो। डिस्प्ले में जाते हैं और ये देखिए, मैं यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग हाई FPS ऑन कर देता हूँ। अल्ट्रा सेटिंग हाई रेजोल्यूशन हाई FPS सब कुछ मैंने ऑन कर दिया है। अब अपन सिंपली अपना गेम ओपन करते हैं एंड चेक करते हैं हमारा की मैपिंग वर्क कर रहा है कि नहीं। इससे आप चाहिए तो यहाँ से फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, जो कि मैंने कर दिया है।
सो यहाँ पे अपना गेम ओपन हो चुका है। अब बस यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आएगा कि आप सब कुछ कर पाओगे, सारी की मैपिंग देखिए प्रॉपर वर्क कर रही है, हर एक चीज़ मैं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली, बट बस आपको दिक्कत एक है और वो प्रॉब्लम ये है कि आप अपने माउस को, आपको एम करने के लिए आपको माउस से ड्रैग करना पड़ेगा अपने एम को, बस आपको ये प्रॉब्लम आएगी, बाकी आपका सब कुछ की मैपिंग वगैरह प्रॉपर वर्क करेगा, हर एक चीज़ आप कर सकते हो प्रॉपरली। सो गाइस इस तरह से आप अपने 1 GB रैम वाले PC में फ्री फायर खेल सकते हो बिना ही किसी प्रॉब्लम के। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर में और भी ऐसे गेम्स वाले वीडियोस देखने के लिए। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना फास्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड मैं भी चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।